नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस LG की फुली ऑटोमेटिक स्मार्ट इन्वर्टर 7 kg वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ नई जानकारी देने वाला हूं। मैंने इस पे भी एक वीडियो पहले बना चुका हूं और इसके बारे में बताया है कि कैसे इसको यूज़ करना है हमें, लेकिन उसमें कई सारे कमेंट आए हैं, उसमें पूछा गया है, कई सारे अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए हैं कि इसको हम ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, कई सारे तरीके इसमें पूछे हैं लोगों ने। तो मैं आज लगभग 15-20 कमेंट निकाल के सबका जवाब देने वाला हूँ कि आप कैसे कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपके पास ये मशीन है, आपको सही से यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पावर हमें लगा के रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो टैप का कनेक्शन है, टैप का कनेक्शन यहाँ मशीन में जाता है, ये इनलेट है यहाँ से, और ये देखिए ऑन करके रखना है आपको। बराबर ये कनेक्ट ही रहता है, इसको हटाने नहीं रहता हमें, बंद रहे चाहे चालू रहे मशीन, हमें इसको ऑन करके ही रखना है, ठीक है। आप बंद नहीं कर सकते अगर मशीन का काम नहीं है, लेकिन अगर मशीन चल रही है, सबसे पहले तो लोगों ने ये पूछा कि अगर हमारी मशीन चल रही है, वॉश एक बार पानी ले चुकी है, तो क्या इसको हम बंद कर दें? नहीं नहीं, आपका मशीन एक बार पानी ले चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इसको जब तक वॉशिंग हो रही तब तक इसको ऑन करके रखना है, क्योंकि वो कभी कभी बीच बीच में पानी लेती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला ये सवाल हो गया कि जब हमारी मशीन चल रही है तब तक हमें टैप को नहीं बंद करना है। दूसरी चीज़, ड्रेनेज पाइप देख लीजिए आप। सबसे पहले ड्रेनेज जो पाइप है इसका, वो हमेशा नीचे की तरफ गिरा रहना चाहिए। कभी भी आप इसको इसमें या यहाँ पर टांग के ना रखें। अगर टांग के रखेंगे तो जो वॉश तो हो जाएगा, उसके बाद में जब ड्रेन की बारी आएगी तो पानी निकल नहीं पाएगा, मशीन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इसको आपको हमेशा पाइप को नीचे गिरा के रखना, ड्रेन वाला, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में लोगों ने पूछा, चलिए पहले मशीन को एक बार ऑन कर लेते हैं। ये पावर बटन पे आपने एक बार क्लिक किया, ये ऑन हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है वॉश, रिंस और स्पिन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतने ऑप्शन आ रहे हैं, नॉर्मल, जेंटल, क्विक वॉश, स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो इसमें लोगों ने पूछा कि जैसे हम, एक और सवाल आया इसमें कि जैसे हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन में एक ही पानी में, मतलब तीन या चार बार, जितनी बार भी आप कपड़े धो सकते हैं, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं क्या इस मशीन में? तो इस मशीन में भी ऐसा हो सकता है। आप तीनों ऑप्शन एक साथ ना सेलेक्ट करिए, आप सिर्फ वॉश का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और उसमें चाहे आप तीन बार धोइए चाहे चार बार धोइए उसी पानी में, जब तक गंदा ना हो जाए तब तक धोते रहिए, कर सकते हैं वैसे जैसे सेमी ऑटोमेटिक में आप करते हैं। तो मैं आपको ये पहले करके दिखा देता हूँ कि सिर्फ अगर हमें वॉश करना है तो इस मशीन में, अगर सिर्फ सेम ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है इसमें हमें सिर्फ वॉश करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? लोग सोचते हैं इसमें सिर्फ वॉश नहीं हो सकता है, हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, अगर आपके कपड़े गंदे हैं उस हिसाब से, ज़्यादा गंदे हैं, नॉर्मल हैं, तो जैसे भी है आप उस मोड को लगा लीजिए, ठीक है। अगर मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं तो स्ट्रॉन्ग पे मैंने लगा लिया, देखिए जीन्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, वो ज़्यादा गंदे हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ वॉश करना है तो मुझे क्या करना है सिर्फ वॉश के लिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ वॉश के लिए मुझे यहाँ पर वॉश, पहले तो टाइम लेना है हमको, अगर मान लीजिए मुझे 18 मिनट के लिए करना है, ठीक है। तो मैंने इसको इसको बार बार ऐसे दबाते रहेंगे आप, तो जितने मिनट भी हैं आपके आ जाएंगे। मान लीजिए मुझे 15 मिनट के लिए लेना है, तो ये 15 पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे रोक दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे रेंस नहीं करना है, स्पिन नहीं करना है, तो रेंस वाला अभी 2 पे दिखा रहा है, तो इसको आप दबाते रहेंगे, चला गया, देखिए रेंस, ठीक है। इसके बाद में ये स्पिन भी नहीं करना है, ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चली गई, तो ये बचा क्या, सिर्फ वॉश। तो अब आप जब इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और वाटर लेवल जो है ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ठीक है, अपने आप जितना पानी इसको चाहिए होगा कपड़े के हिसाब से। फिलहाल तो अभी इसमें कपड़े पड़े नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बार सेटिंग समझा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये मशीन प्रोसेस में आ जाएगी, ये देखिए अपने आप पानी ये लेने लगेगा, उसके बाद में ये मशीन चालू हो जाएगी। चलिए ये वॉश का ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं, इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये स्टॉप कर दिया, पावर ऑफ किया, फिर से एक बार पावर ऑन किया। अब लोगों ने इसमें बहुत सारे सवाल मुझसे ये पूछे कि इसमें हमें अगर सिर्फ ड्राई करना है तो क्या कर सकते हैं, कपड़े सिर्फ ड्राई कैसे कर सकते हैं। लोग इसमें समझते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, एक बार कपड़े डाले तो वो धुल के सूख के ही निकलेंगे, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ ड्राई भी कर सकते हैं, अगर आपने कपड़े कहीं बाहर धुल लिए हैं तो इसमें सिर्फ ड्राई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको स्पिन पे जाना है, स्पिन में ड्राई होगा, तो स्पिन में आपको लो, मिड, हाई जैसा भी आपको चाहिए, या फिर एयर ड्राई जैसा भी चाहिए। एयर ड्राई 30 मिनट के लिए रहता है, कपड़े को बहुत ही अच्छी तरीके से सुखा देता है, ठीक है। लेकिन आपको इन्हीं तीनों का यूज़ ज़्यादातर करना रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप हाई पे कर लीजिए ऐसे करके, 13 मिनट देखिए दिखा रहा है। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे
ये प्रोसेस भी चालू हो जाएगा, सिर्फ यही रहेगा, कोई ऑप्शन हमने और नहीं लिया है, देख रहे हैं आप। तो इसको भी ये देखिए सिर्फ स्पिन यहाँ पे बार बार ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ ड्राई के लिए। अब फिर से मशीन को एक बार ऑफ कर दिया, तो अभी क्या करना है हमको, फिर से ऑन करना है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद में एक नया सवाल ये आता है कि हमें अगर तीनों प्रोसेस एक साथ करनी है, वॉश करना है, उसके बाद में रिंस करना है, फिर हमें स्पिन करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, पहले मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले आप पावर ऑन करिए, कपड़े डाल लिए आपने, इसमें जो भी आपका सर्फ है, एरियल है, जो भी है वो डाल दिया ट्रे में, उसके बाद में लिड को क्लोज कर दिया, उसके बाद में ये ऑन तो है ही आपका, स्ट्रॉन्ग मोल्ड ले लीजिए, मान लीजिए कपड़े गंदे हैं तो आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया, ठीक है। इसमें हमें अब क्या करना है कि इसमें वॉश करना है हमको, ठीक है। सबसे पहले तो मान लीजिए हमने 15 मिनट के लिए वॉश लगा दिया, टाइम ही देखिए। उसके बाद में हमें रिंस भी करना है तीन बार के लिए, तो इसको तीन बार के रिंस हो गया। उसके बाद हमें हाई पे ड्राई भी करना है, ये हो गया तीनों प्रोसेस, देखिए वॉश होगा, रिंस होगा, स्पिन होगा। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, ये तीनों प्रोसेस अब होंगे, ठीक है। लेकिन वाटर का जो सिलेक्शन है वो भी अभी भी ऑटोमेटिक है, ये अपने आप पानी लेगा कपड़ों के हिसाब से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मैन्युअली पानी लें, ठीक है, इसमें कि ज़्यादा पानी, ऐसा लगता है किसी किसी को कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रही है, तो हम अपने सेलेक्ट कर देंगे कितना पानी में इतने कपड़े धुल जाए, तो वो भी कर सकते हैं आप। कैसे, स्टॉप करिए पहले तो, ठीक है, बंद करिए, फिर से ये ऑन करिए, ये ऑन हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक जीन्स और एक शर्ट है सिर्फ, वो धुलनी है, तो हमें क्या करना है, पूरा टब नहीं भरना है, उसमें क्या करना रहेगा, देखिए टब का लेवल दिया है ये नंबरिंग के हिसाब से, इतने पे इतना भरेगा, इतने पे इतना भरेगा। हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 7-8 पे आ रहा है, इसको दबाते रहना है ऐसे बार बार, एक पे आया, दो पे आया, तीन पे आ गया। अगर एक जीन्स और एक दो शर्ट है मान लीजिए, तो सिर्फ तीन पे आप रखिए, और टाइमिंग जो भी आपका है वो ले लीजिए, यहाँ से जितना आपको रेस करना है वो ले लीजिए, और यहाँ पे जितना स्पिन करना है वो ले लीजिए, और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये पानी जो है कम लेगा, ऑटोमेटिक में ज़्यादा पानी ले लेता है, लेकिन इसमें ये कम पानी में ही धुल देगा आपका कपड़े, ठीक है। अच्छा, कई सारे सवाल ये भी आए उसमें कि जैसे कि लोगों को अपने बकेट से पानी डालना है, इसमें बाल्टी से पानी डालना है, इसके अंदर टैप से पानी नहीं लेना है, भाई साहब उसमें टैप ख़राब हो गया है या कुछ भी प्रॉब्लम है लाइन में, तो वो क्या कर सकते हैं कि क्या इसमें बाल्टी से पानी डाल सकते हैं कपड़े धुलने के लिए। तो ये भी बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन कैसे, उसका भी एक तरीका है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से पानी लें, अगर कोई प्रॉब्लम है, वैसे सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि इसमें लगा दीजिए, बस कुछ करना ही नहीं है, पड़ा हुआ है लगा हुआ कनेक्शन। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें करना ये है कि मशीन पहले तो ऑफ कर दिया मैंने, अब ये देखिए ऑन किया है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैन्युअली करना है, मैन्युअली आप कर दीजिए यहाँ पे, मान के चलिए मैन्युअली मैंने 5 पे कर दिया, ठीक है। अब इसको जैसे भी प्रोसेस सारी लगानी है आप लगा लीजिए मैन्युअली, लेकिन करना है मैन्युअली आप कर देंगे, उसके बाद में पानी डाल दीजिए, इसको खोल के पानी डाल दीजिए इसमें, ठीक है, और ये मशीन चल जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लेकिन 5 का मतलब है तो आपको आइडिया होना चाहिए 5 पे कितना पानी मशीन लेती थी ऑटोमेटिक पे, तो उतना पानी आपको लगभग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे इसके बारे में, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको वीडियो और भी देखनी है, मैंने वॉश करते हुए दिखाया है कि कैसे कपड़े वॉश करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसी वीडियो के सारे कमेंट हैं जो मैंने आपको अलग अलग बताए हैं। और दोस्तों, बहुत लोगों ने ये पूछा है कि इसमें क्या स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती है, तो ये स्टेबलाइजर फ्री मशीन है, इसमें अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर इनबिल्ट रहता है स्टेबलाइजर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर देखिए यहाँ पे ऑटो रिस्टार्ट लिखा हुआ है, अगर चलते चलते अचानक लाइट चली गई, मान लीजिए 45 मिनट का टाइम बचा हुआ था कपड़े धुलने में, लाइट चली गई, तो कोई टेंशन नहीं, फिर से सारी सेटिंग नहीं लगानी पड़ेगी आपको, जैसे लाइट आएगी यहीं से 45 मिनट से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑटो रिस्टार्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, ठीक है। और बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे कि हमें जैसे कि बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, मान लीजिए बहुत गंदे कपड़े हैं, और हमें क्या करना है कि इसमें तो टाइम सिर्फ वॉश का 25 मिनट का ही दिया गया है, हम चाहते हैं कि हम धुलें 50 मिनट के लिए, सिर्फ वॉश करें 50 मिनट के लिए, तो क्या ये वॉश वाला ऑप्शन दो बार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लोग कह रहे थे कि हमने धुलना चाहते हैं दो बार, लेकिन क्या होता है कि पूरा प्रोसेस हो जाता है, मतलब सूख के ही निकलता है, तो ऐसा नहीं है। इसको ऑन करिए सबसे पहले, ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो स्ट्रॉन्ग लगा दीजिए यहाँ पे, और टाइम यहाँ पे ले लीजिए 25 मिनट का, ठीक है। और ये रिंस और स्पिन को हटा दीजिए, प्ले कर दीजिए, मतलब स्टार्ट कर दीजिए आप, उसके बाद में क्या होगा, 25 मिनट धुल जाएगा, मशीन स्टॉप हो जाएगी,
उसके आगे बढ़ेगी नहीं, फिर आप यही सेम प्रोसेस कर दीजिए दोबारा, तो 50 मिनट अपना हो जाएगा, जितना भी आपको लगाना है 25 मिनट के बाद 10 मिनट धुलना है या 20 मिनट धुलना है, दोबारा ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो लोगों ने पूछे हैं और ये इनका सबका मैंने जवाब इस वीडियो में दे दिया है, और आप समझ जाएंगे कि हाँ ये मशीन भी बहुत ही अच्छी है। कुछ लोग सेमी ऑटोमेटिक को अच्छा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तरीका होता है इसका यूज़ करने का, इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सेमी ऑटोमेटिक के तरीके यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये मशीन जो सही तरीके से चला पा रहा है तो उसको इसके अलावा कोई मशीन अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मैं फिर से बता देता हूँ इसमें क्या करना है, लिड खोलना है, कपड़े डालने हैं, स्लग डालना है, लिड बंद कर देना है, कनेक्शन ऑन है, ड्रेनेज पाइप गिरा हुआ है, पावर ऑन करना है, कपड़े गंदे हैं आपके लगाना है, वाटर मैन्युअली मैंने लगा दीजिए मान के चलिए 6 पे 7 पे, उसके बाद में 15 मिनट के लिए धुलना है, उसके बाद में 2 बार मुझे रिंस करना है और स्पिन हाई पे करना है, स्ट्रॉन्ग पे लगा 55 मिनट का टाइम दिखा रहा है, स्टार्ट कर देना है। इसके बाद में 55 मिनट में आपके कपड़े सूख के निकलेंगे, कुछ आपको करना नहीं है, आप कुछ भी करिए जाके इतनी देर के लिए, यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सेमी ऑटोमेटिक में आपको एक बार कपड़े धुलते हैं, फिर उसके बाद में ड्रायर में डाल के सुखाने पड़ते हैं, पहले तो रिंस करना पड़ता है फिर सुखाने पड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप 55 मिनट के बाद लिड खोलिए, कपड़े निकालिए और धूप में फैला दीजिए, बस हो गया काम। तो अभी इसको बंद करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, इसमें कई सारे कमेंट के मैंने जवाब दिए, और भी कुछ जो बच रहा होगा आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, जो भी आपके सवाल हैं कि कैसे यूज़ करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्राइस की बात करें तो लोग पूछते हैं कितने की थी ये, तो ये मुझे 23,000 की पड़ी थी, 23,000 की, और डिस्काउंट पे अगर आप लेंगे, मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, कभी कभी डिस्काउंट चलता है तो ये कम की भी मिल जाती है, लेकिन जब मैंने परचेज़ किया था तो कोई डिस्काउंट नहीं था इस पर, तो 23,000 की ये मुझे अमेज़न से मिली थी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।